knowing that auntie is in you, with you, Lord, in a better place. So I pray, Lord, such comfort, such assurance to come upon the family members and everyone who are close to auntie, Lord, who is grieving right now for the loss of auntie's life, oh God. I pray, Lord, that you would fill each and every member of God over here with such kind of assurance and peace. And Lord, may your love come upon each and every member over here, oh God. May each and everyone experience your grace and mercy, Lord, over their life. हमारे पादरी साहब ने एक बहुत ही अच्छा वचन हम सबों के साथ शेयर किया और इसमें इन्होंने बताया, सबसे पहले आंटी जो है जिस तरह से रात्रि की प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ी रहती थी, नहीं होते थे उनको हम भी याद करते हैं और परमेश्वर भी उनका लेखा जोखा रखे हुआ है। और भाई साहब ने हमें शेयर किया वचन से बताया कि भले आंटी जया आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इस बात का गम है कि वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें परमेश्वर पे हमें विश्वास है कि वो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ यार आज वो हमें देख रही है और बहुत आनंदित है और एक बहुत ही अच्छी जगह पे है। और वो हमसे ये कहना चाह रही है कि तुम दुख मत मनाओ, शोक मत मनाओ, परेशान मत हो, क्योंकि मैं आज एक इस बात का आश्वासन हमें परमेश्वर देता है, यीशु मसीह देता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पादरी साहब ने इस वचन को हमारे साथ शेयर किया। आइए हम हिंदी में एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आंटी जया को संभाले रखा है, अपने गोद में बिठा के रखा है प्रभु। और हम जानते हैं कि वो बहुत ही अच्छे जगह में है और वो तू यीशु मसीह हमें आंटी जया के साथ हमें देखता है और आनंदित हो रहा है, हालेलुया। और जब दोबारा तू यीशु मसीह तू दोबारा आएगा तो आंटी जया के साथ हम फिर से मिल पाएंगे, इस बात का आश्वासन आज हमारे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं, हमें ढाड़स दे, हमें सांत्वना प्रदान कर ताकि हम इस बात को समझ पाए, इस सच्चाई को जान पाए और इस पर विश्वास कर पाए, यीशु मसीह के नाम से। जय सिस्टर आंटी जय, हम सबके लिए, परिवार के लिए, मम्मी दादी आई जो भी है, हमारे साथ नहीं है लेकिन हमें पूरा विश्वास है, जैसा हम गाते हैं वो गाना, आनंदी आनंदी है यीशु के चरणों में, और आज वो आनंद मना रहे यीशु के चरणों में। विश्वास योग्य थी, हर संडे हर हमारा प्रेयर मीटिंग में वो आती थी और उत्साहित होकर आती थी। You like the family, somebody to just share? Yes. हर वक्त इतने सालों से मैं देख रही हूँ, इतने हॉस्पिटल के चक्कर में मम्मी ने काटे, बहुत स्ट्रांग थी मम्मी, बहुत स्ट्रांग, कैंसर को मुंह तोड़ जवाब दिया है मॉम ने, इतने ऑपरेशंस, इतने दो बार हार्ट अटैक्स, इतने, शी वॉज वेरी स्ट्रांग, हमेशा सब लोग, मेरी मासियाँ, मामा, मेरी पूरी फैमिली, डॉक्टर तक हाथ ऊपर कर देते थे, कहते कि सॉरी आप साइन कीजिए, नहीं होगा। मैंने बोला नहीं माँ, बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा, मैं साइन करती हूँ। बड़े बड़े ऑपरेशन, कैंसर के, यूट्रस के, बहुत ऑपरेशन मम्मी ने झेले हैं, इतना दर्द उठाया है बॉडी में, फैमिली में, मेरे डैड एक्सपायर हुए तब से, ज़्यादा बीमार हुई जब मेरे डैड एक्सपायर हुए तब से शॉक लग गया, हमेशा चर्च जाना, प्रेयर करना, मैं हमेशा शूट पे रहती थी, राकेश रहता था, मेरी सिस्टर, सब लोग रहते थे, पूरे परिवार में हमेशा दिखाई नहीं देता था, फिर भी सबको फ़ोन करती थी, मॉम सबका भला चाहती थी, सबके लिए प्रे करती थी, जहाँ जाती थी सबके लिए प्रे करती थी, शी वॉज अ सो गुड सोल। हॉस्पिटल में मैं गई, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ,
आई टोल्ड गॉड इससे ज्यादा मत सताओ प्लीज गॉड गिव हर अ पीसफुल लाइफ गॉड पैरों से इंजेक्शन नोज से फूड इतना मम्मी को खाने का बहुत शौक था अच्छी अच्छी चीजें लेकिन वो डॉक्टर ने मना कर दिया शी कुडंट ईट हमें बहुत प्यार दिया हम तीनों भाई बहनों को पायल को बेटी की तरह रखा आदिल को बहुत प्यार दिया आदिल को लाल शंकर मेरी बेटी का ख्याल रखना आदिल उसको कभी मत छोड़ना सबको प्यार करती थी हमेशा कहती थी चर्च जाना है मम्मी को चलने नहीं होता था राखी मुझे चर्च लेके जा चर्च लेके जा हम कैसे भी उठा के लेके जाते थे प्रभु यीशु की बहुत बड़ी बिलीवर थी आखिरी सांस ली तब तक प्रभु यीशु को पुकारती रही बेहोशी में दर्द में भी मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक हूँ और माँ हमेशा एक ही गाना वो पुकारती थी आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाऊंगी मैं उसके संग जहां पर होगा अनंत जीवन माँ आप हेवन में हो मैं बिलीव करती हूँ हम सब बिलीव करते हैं तुझे ये जीसस खुद लेने आए हैं ये मेरा विश्वास है उनका वादा कभी गलत नहीं हो सकता कभी गलत नहीं हो सकता माय मॉम शी इज इन हेवन आप सब लोग प्रे कीजिए मॉम के लिए शी वाज अ वेरी गुड सोल कभी किसी का बुरा नहीं किया माँ ने कभी भी आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया थैंक यू गॉड थैंक यू पास्टर थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग I don't have words. My God is going today. She is everything for me, for Rakhi. बस एक ही इच्छा थी माँ की कि मैं यीशु के दरबार जाऊंगी मेरे लोग मेरे साथ होने चाहिए जो आज सब साथ में है मैं यीशु की तरह जिस तरह उनके जो भी उनके बस मुझे अच्छे से उनके पास भेज दो बस एक ही बात हमेशा और कभी बोलती रही थैंक यू जीसस थैंक यू फॉर एवरीथिंग यीशु इज एवरीथिंग फॉर मी बस आज मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लव दिस प्रेयर कि आपकी वजह से मम्मी ने इतने साल कैंसर से फाइट किया शी इज फॉर विद योर लव एंड टुडे द ब्लेसिंग ऑफ गॉड शी इज गोइंग थैंक यू एवरीवन सब लोग यहाँ पे आए आई लाइक टू थैंक्स ऑल बॉलीवुड में सलमान भाई प्रिया दत्त जी रश्मि थैंक यू सो मच एवरीवन सबको थैंक्स कहना चाहती हूँ फरा मैम शिल्पा मैम सबको मम्मी का बहुत ख्याल रखा उन सब ने मेरे वो हालात नहीं थे कि मैं कैंसर के हर हॉस्पिटल में हर जगह जाऊँ बहुत सपोर्ट किया थैंक यू पास्टर समीर सिस्टर माजू शीला आंटी सारे मेरे दोस्त सारे फ्रेंड्स शी वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग वुमन से कैंसर से लड़ी के यीशु के नाम से कैंसर निकल जाए इस देश से सारे शरीर से एंड तब चिल्लाती रही दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है किडनी में बॉडी में सर में थैंक यू गॉड थैंक यू शी इज विद यू आई बिलीव शी इज विद यू थैंक यू गॉड आमेन यस यू कैन से थैंक यू दोज आर वेरी काइंड वर्ड्स बहुत अच्छे शब्द थे जो उनके बच्चों ने शेयर किया यहाँ व्हाट वी गोइंग टू डू इज वी गोइंग टू वर्शिप द लॉर्ड वन लास्ट टाइम एक आखिरी बार
परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू। वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड द इमोशन हियर, सो डोंट वरी। उसका वचन कहता है कि नीले आसमान के पार जाएंगे और हम उनसे मिलेंगे, हम दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा मिलेंगे। यही हमारी आशा है कि हम सोते हैं लेकिन हम ख़त्म नहीं होते, हम सोते हैं पर लेकिन ख़त्म नहीं होते, और हम परमेश्वर की बाहों में, उसकी गोदी में, जितने भी सोए हैं उसकी गोदी में हैं, उसके बाहों में लिपटे हुए हैं। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाते हैं, हम सब जानते हैं इस गीत को, नीले आसमान के पार जाएंगे। हालेलुया। Requesting the media to please move from here. Please don't crowd here, my request, because everybody has to exit from here. Just form a line, a queue. Yes. Because we want to allow the family to have the last look at their mother. Yeah. You will get an opportunity to meet the family at the burial ground. We will be covering the coffin here and then taking it to the burial ground. So if you could just
anybody is remaining, you can come forward. I want to give the family time with their mother. So, जिनको भी आना है आप आगे आ सकते हैं, उसके बाद खाली परिवार को हम थोड़ा समय देंगे आके कुछ पल बिताने के लिए. You can proceed to the burial ground because it's not over. We are going to move to the burial ground. अगर कोई है जो परिवार का नहीं है, आप जल्दी आ सकते हैं. Yes. Yeah. Keep it. Yes. If everybody has finished, may I just have the family coming close? Yeah. Maju, Auntie Sheila, if you can just be here. Quickly, if you can just. Those of you who have finished, the media team, please, I'm requesting you, please come here. It's a request. I hope you are understanding the sensitivity. Yes, yes. You can just take some time. You want to just give her some time for. दर्द नहीं हो रहा, नहीं दर्द हो रहा, नहीं दर्द हो रहा.